दादा देव मंदिर जो पालम एक्सटेंशन में द्वारका के पास स्थित है। पप्पन कला नाम रखा गया था, वो DDA ने रखा था। वो इसलिए रखा था कि इसमें PAPAN पप्पन कला इस तरह के जितने भी वर्ड आते हैं, जैसे पी पालम, ए से अम्बराई, पी से फिर पोचनपुर, इस तरह से ये सारे अल्फाबेट्स के ऊपर ये गांव के नाम थे जिनकी जमीन एक्वायर की गई और वही नाम इसका दिया गया था। उसमें कुछ गांव ऐसे थे जिनका नाम उस पे पप्पन कला में आया नहीं, वो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो इसका नाम बदल करके द्वारका रख दिया गया। जो पप्पन कला था वही अब द्वारका है। दादेव मंदिर 12 गांव द्वारा बसाया गया था, जिनमें पालम, शाहबाद, बागडोला, नसीरपुर, बिंदापुर, दाबरी, असालतपुर, उंतकला, मटियाला, बाप्रोला, पूतकला और नांगलराय आते हैं। दादेव मंदिर का इतिहास राजस्थान के टोंक जिले से जुड़ा है। लगभग 1300 साल पहले विक्रम संवत 761 में टोडा राय सिंह जो है राजस्थान में है टोंक जिले में, वहाँ से जो है एक परिवार आया था ये दादा देव महाराज की शिला को लेकर, और चलते चलते रास्ते में उनको भविष्यवाणी हुई थी कि जहाँ भी ये शिला गिर जाए ना वहीं अपना स्थान बना लेना। तो कई दिन चलते चलते ये शिला जो है यहाँ पालम दादा देव मंदिर जहाँ बना हुआ है यहाँ पे शिला फिसल के बैलगाड़ी से गिर गई। उसके बाद लोगों ने यहीं पे अपना स्थान बना लिया और यहीं से जो है 12 गांव जो है यहीं से निकल के पालम गांव में से बसे हुए। राजस्थान इसे लैंड ऑफ राजपूत के नाम से जानते हैं। वहाँ का एक जिला है टोंक, जिसे पहले टोंकरा के नाम से जानते थे। सन 1700 में भोलानाथ ब्राह्मण ने इसे टोंक नाम दिया, जिसके बाद यह जिला टोंक नाम से जाना जाता है। बाद में यह जिला राजस्थान से जुड़ गया। टोंक को राजस्थान का लखनऊ, आदाब का गुलशन, रोमांटिक पॉइंट अख्तर, शरेर रानी की नगरी, मीठे खरबूजे का चमन और हिंदू मुस्लिम एकता का मसलन भी कहा जाता है। लोगों का इस मंदिर में अटूट विश्वास है। इस मंदिर को ग्राम देवता के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं जब भी लोग कोई नया कार्य करते हैं तो वे यहाँ दादा देव महाराज का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। कहा जाता है कि जो लोग सच्चे मन और भक्ति से यहाँ पूजा अर्चना करते हैं दादा देव उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। पौराणिक है जी, ये रीति है शुरू से ही। कोई मनोकामना मांगता है तो वो कहता है अगर दादा मेरा ये काम हो गया तो मैं आपकी गुड़ की भेली चढ़ाऊंगा। तो ये शुरू से ही चली आ रही है। एक भेली चढ़ती है और एक चद्दर चढ़ती है। 1500 से 2000 गुड़ की ढैया चढ़ती है यहाँ पे, क्योंकि मेन जो है गुड़ का प्रसाद है। तो वो प्रसाद हम सब इकट्ठा करके नजफगढ़ गौशाला या बवाना गौशाला या नरेला में है गौशाला, सब वो ना दान कर देते हैं। जो शनिदेव पे भी तेल चढ़ता है उसको भी हम जो है गौओं को दान करते हैं। मतलब यहाँ जो भी दान आता है वो सब गौशाला में चला जाता है। यह मंदिर 8 एकड़ की जगह में बना हुआ है, जहाँ दादा देव महाराज की शिला के ऊपर उनकी मूर्ति बनाई गई है। ऐसा कहते हैं कि इस शिला पे बैठ के जो श्री दादा देव महाराज थे वो इस पे अपनी तपस्या करते थे। सालों तक उन्होंने ना इसी शिला पे बैठ के तपस्या करी। मंदिर के पास एक तालाब है, एक सुंदर गार्डन, मेला मैदान है। पौराणिक रीत है कि मट्टी छांटते हैं हम लोग, परिवार के परिवार आते हैं सभी मिलके और मट्टी बाहर निकालते हैं थोड़ी, वो अपने घर ले जाते। बाबा होते थे उद्धव दास, जब यहाँ पे ना बिल्कुल जंगल होता था, लगभग 100 साल पुरानी बात है, पानी मशक में भर के लाता था, तब ये सब पेड़ उसी के हाथ के लगाए हुए हैं। लगभग 100 साल पुराने हैं ये पेड़। बाबा उद्धव दास हुए हैं, बाबा पूरन नाथ हुए हैं। मंदिर को डेवलप करने में ना बहुत इनका योगदान रहा है, मॉडिफिकेशन बाद में किया है, लेकिन इनमें जितने बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे ना ये बाबा उद्धव दास, पूरन नाथ, ये सब उनकी देन है जी। गवर्नमेंट की तरफ से तो जी जो त्योहार आते हैं खाली उनपे सपोर्ट मिलती है हमें, जैसे पुलिस की प्रोटेक्शन मिलती है और बाकी हमारे वॉलंटियर होते हैं 12 गांव से, कुछ कॉलोनी वगैरह सभी जो भी भक्त लोग होते हैं वो सभी देखते हैं काम। एक धर्मशाला है जहां 4 बड़े बड़े हॉल हैं। अभी हम एक काफी बड़ा हॉल बनाने लग रहे हैं यहां पे, जो मल्टीपर्पस है। लगभग 1650 गज में एक मल्टीपर्पस हॉल बन रहा है। उसमें नीचे कुछ बच्चे हैं जूडो कराटे सीखते हैं, डॉक्टर की डिस्पेंसरी बना रखी है, मंदिर की तरफ से एक लाइब्रेरी है, सिलाई सेंटर, कुछ जो एजुकेशन से रिलेटेड फ्यूचर में प्लानिंग है हमारी। मंदिर के अंदर एक डिसेबल स्कूल है जहां विकलांग बच्चों को हायर एजुकेशन दी जाती है। 7-8 साल से ना कुछ विकलांग बच्चे हमारे यहां पढ़ने के लिए आते हैं। एक टीचर है वो भी विकलांग ही है, वो उनको पढ़ा रही है। पूजा अर्चना के लिए संडे का दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। सुबह पहले स्नान होता है, उसके बाद पूजा होती है, फिर दोपहर भगवान को भोग लगता है, फिर शाम को पूजा। हाँ, रविवार और पूर्णमासी अमावस्या को करीबन यहाँ लाखों भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, गुड़ की ढैया और चद्दर चढ़ाते हैं। इस दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। कहा जाता है कि दादा देव महाराज अपना आशीर्वाद सभी भक्तों पर रखते हैं और उनके सारे काम सिद्ध करते हैं। यदि आपका भी कोई कार्य या इच्छा अधूरी है तो दादा देव महाराज का आशीर्वाद लें, वह आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। आस्था और श्रद्धा की यह मिसाल यहाँ के रहने वालों के साथ साथ द्वारका को भी इसके इतिहास में पिरोती है।